कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने बेटे विधायक भव्य बिश्नोई चैतन्य बिश्नोई का रिश्ता तय होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान निवासी IAS परी बिश्नोई के साथ भव्य बिश्नोई का रिश्ता तय किया है। मई महीने में दोनों की सगाई करेंगे। इस साल के अंत में भव्य और चैतन्य की शादी करेंगे। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार पे बना रहे। शुभ दिन है नवरात्रों का, शुभ समय है 10:15 का, और शुभ समाचार मैं आपको आज देना चाहता हूं कि गुरु महाराज की कृपा से, माता रानी की कृपा से हमने हमारे बड़े बेटे भव्य का रिश्ता हमारी बहुत ही अच्छी बेटी परी बिश्नोई के साथ तय किया है, दोनों परिवारों ने मिलके। और मांझू परिवार, ढेलू परिवार दोनों आज से एक हुए हैं। और मैं आपसे ये खबर साझा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप भी मेरे परिवार की तरह हैं। और फैसला ये हुआ है कि हम रंग छाछनी जो है वो हम और मंगनी भी हम मई 2023 साल करेंगे, और भव्य की और परी की का विवाह और चैतन्य और सृष्टि का विवाह हम इस साल के अंत में करेंगे। और आप सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपके आशीर्वाद देने उनको जरूर आए, और ये वीडियो जो देख रहा है वो भी मन से ईश्वर से प्रार्थना करें कि दोनों बेटे मेरे, दोनों बेटियां मेरी हमेशा खुश रहें, तरक्की करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके सरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बता दें कि 3 दिन पहले भव्य बिश्नोई की दूसरी बार सगाई की खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। परिवार के लोगों ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। पिछले महीने चैतन्य बिश्नोई और सृष्टि अरोड़ा की दिल्ली में सगाई की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इसका विरोध भी किया था। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की 13 मार्च 2021 को राजस्थान के जयपुर में अहिल्या फोर्ट में सगाई हुई थी। कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोग भी शरीक हुए थे। भव्य की सगाई पंजाब के बठिंडा की रहने वाली महरीन परिजादा के साथ हुई थी। भव्य बिश्नोई की सगाई का मामला काफी चर्चाओं में रहा था। बिश्नोई समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। सोशल मीडिया पर काफी कमेंट किए गए थे। इन सभी विरोध के बीच भव्य ने करीब 5 महीने बाद अपनी अलग राह चुन ली है। दोनों ने सगाई को खत्म करने का ऐलान किया। भव्य बिश्नोई ने सगाई टूटने के बाद ट्वीट कर कहा था कि महरीन और मैंने मूल्य और अनुकूलता में अंतर के कारण अपनी सगाई को तोड़ने का फैसला लिया है। ये जानते हुए कि मैंने महरीन और उसके परिवार को अत्यधिक प्यार और सम्मान दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं सिर ऊंचा करके बिना किसी पछतावे में उनसे दूर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे। मेरी जानकारी में आती है तो मैं व्यक्तिगत और कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराऊंगा। मेरा परिवार और मैं ईमानदारी से रहते हैं और महिलाओं का सम्मान हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।